नगरपालिका परिषद एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा। साथ ही नगर में जहां जहां नगरपालिका की जमीन है उसे चिन्हित कर उसका सीमांकन कराया जाएगा और फिर उसके चारों तरफ तार फेंसिंग करा दी जाएगी ताकि नगरपालिका की भूमि सुरक्षित रहे। वाटर वर्क्स नौलाखी मंदिर पर हुई पार्षदों और पत्रकारों की बैठक के दौरान कई मुद्दों पर विचार विमर्श कर आगामी रणनीति तैयार की गई। आपसे विचार विमर्श के दौरान नगरपालिका के सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने बताया कि अभी तक 1,30,00,000 रुपए समस्त करों से वसूले जा चुके हैं। साथ ही हाट बाजार से प्रतिदिन 2,200 रुपए की राशि नगरपालिका को मिलने लगी है और अभी तक नामांतरण के 184 मामले निपटाए जा चुके हैं। जल्द ही 97 नामांतरण और होंगे। इस तरह नगरपालिका में नवीन परिषद के 3 माह में ही नामांतरण का आंकड़ा 290 पर पहुंच जाएगा। सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 30 नए कर्मचारी भरने के लिए निविदाएं जारी की जा चुकी है। जल्द ही भर्तियां पूरी कर ली जाएगी। साथ ही पराशरी पुल के दूसरे और घटे निर्माण की फाइल बुलाई जा रही है, उसकी जांच कराकर शीघ्र दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पत्रकारों ने सुझाव रखते हुए कहा कि अभी तक नगर में पत्रकार भवन का निर्माण नहीं कराया गया है, इसके लिए जगह और निर्माण कराए जाने की प्रक्रिया चालू कराई जाए। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज यादव, वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद मनोज अहिरवार, वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद राहुल ठाकुर सहित कई लोग शामिल हुए। दुकान से 20 फुट आगे तक सामान आ रखा है और वो आपके नगर पालिका कर्मचारियों के बस की बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ आप चिन्हित करके कहीं